दोस्तों, अगर आप RCET का फाइनली एग्जाम देने से पहले अपनी तैयारी को परखना चाहते हो भी हमारी तैयारी किस लेवल की है, हमने तैयारी कितनी अच्छी तरीके से करी है, तो ये वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने RCET की बुक में से टोटल जो 16 लेसन है उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 75% का ये वीडियो तैयार किया है। और आप इस वीडियो को एक बार यहीं रोकिए, अपने पास एक बॉल पेन और एक नोटबुक जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंसर आपको अपनी नोटबुक में देना होगा। और आपने इस 75% में से कितने सही करे हैं इसका आंसर की आपको मैं इस 75% कंप्लीट होने के बाद मिलान भी करवाऊंगा। तो दोस्तों, आपको पूरा प्रश्न अपनी नोटबुक में उतारने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इस तरीके से ही नोट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है, ए सही लग रहा है, बी सही लग रहा है, सी सही लग रहा है या डी सही लग रहा है, तो आप उसके सामने इस तरीके से नोट करते जाना। और दूसरे के सामने आपको जो ऑप्शन सही लगे इस तरीके से आप इसके सामने नोट करते जाना, तो आप 75 यानी कि 75 क्वेश्चंस का इसी तरीके से उसके सामने ऑप्शन क्वेश्चन को देख देख के नोट करते जाना है। और ये जो क्वेश्चन है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे या आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे 7 से 8 सेकंड तक रुकेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो को बीच बीच में रोक रोक कर भी क्वेश्चन को आराम से पढ़ के इसका आंसर दे देना। तो आपको इस तरीके से 75% आज की वीडियो में मिलेंगे और इसका आंसर आपको देना होगा। अगर आपने 50% या 50% से ज़्यादा प्रश्न सही कर दिए तो इसका मतलब आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी तरीके से है, आपको फाइनली RCET एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने RCET फ्रेंड्स का जो ग्रुप है जिनका RCET का एग्जाम है 6 दिसंबर को, उनके ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनकी तैयारी अभी तक अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है, क्योंकि RCET के फाइनली एग्जाम जो 6 दिसंबर, उसमें मात्र एक दिन का ही टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी किसी भी टाइप की शिकायत, तो आप हमें कमेंट करके भी जरूर बता देना। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और आपकी स्क्रीन पे ये रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे अब ये क्वेश्चन 75।
दोस्तों अब शुरू करते हैं आंसर की मिलाना। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका सही आंसर है सी ऑप्शन, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका है सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही, जो तीन नंबर प्रश्न है उसका ए ऑप्शन सही है, जो चार नंबर क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन सही है, जो पांच नंबर प्रश्न है उसका सी ऑप्शन सही है, जो छह नंबर क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन सही है, जो सात नंबर प्रश्न है उसका बी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर आठ का ए ऑप्शन सही है, नौ नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर दस का बी ऑप्शन सही है, ग्यारह नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, बारह नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, तेरह नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, चौदह नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, पंद्रह नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, सोलह नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, सत्रह नंबर का ए ऑप्शन सही है, अठारह नंबर का बी ऑप्शन सही है, उन्नीस नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है और बीस नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, इक्कीस नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, बाईस नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, तेईस नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, चौबीस नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, पच्चीस नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, छब्बीस नंबर का ए ऑप्शन सही है, सत्ताईस नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, अट्ठाईस नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, उनतीस नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, तीस नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, इकतीस नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, बत्तीस नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, तैंतीस नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, चौंतीस नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, पैंतीस नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, छत्तीस नंबर ऑप्शन प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, सैंतीस नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अड़तीस नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उनतालीस नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, चालीस नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, इकतालीस नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बयालीस नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 43 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 44 नंबर का डी ऑप्शन सही है, 45 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 46 का ए ऑप्शन सही है, 47 का बी ऑप्शन सही है, 48 का बी ऑप्शन सही है, 49 का डी ऑप्शन सही है, 50 नंबर का डी ऑप्शन सही है, 51 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, 52 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, 53 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, 54 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, 55 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, 56 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, 57 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, 58 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, 59 का बी ऑप्शन सही है, 60 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, 61 नंबर का ए ऑप्शन सही है, 62 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, 63 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 64 का सी ऑप्शन सही है, 65% का ए ऑप्शन सही है, 66 का बी ऑप्शन सही है, 67 का सी ऑप्शन सही है, 68 का ए ऑप्शन सही है, 69 का बी ऑप्शन सही है, 70 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 71 का बी ऑप्शन सही है, 72 का सी ऑप्शन सही है, 73 का सी ऑप्शन सही है, 74 का ए क्वेश्चन ए ऑप्शन सही है और 75 का बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस 75 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना, और कितनी परसेंटेज आपकी तैयारी है। अगर 50% से ज़्यादा आपने क्वेश्चन किए हैं तो आपको, और अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो और बढ़िया है। अगर किसी के 50% से कम क्वेश्चन सही हुए हैं तो उन्हें अभी और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अगर आज की पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी
जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के नए टॉपिक के साथ। अगर इस आपको पीडीएफ चाहिए इस आंसर शीट की क्वेश्चंस के साथ में, तो आपको आज सैटरडे की नाइट को 8 बजे आपको इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन इसका मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो।